जय श्री राम। मैं आचार्य राहुल उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस भक्ति संस्कार यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं अयोध्या में हूँ और आपको दिख रहा होगा कैमरे में कि अयोध्या का जो नज़ारा है सर बहुत ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि जिसको आप बैकुंठ कहते हैं बैकुंठ से भी अच्छी अयोध्या हो गई है, क्योंकि अयोध्या ऐसी है। आइए आपको कुछ झांकी दिखाते हैं अयोध्या की। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे इस समय हम अयोध्या में हैं और इतनी बढ़िया झांकी यहाँ सजी हुई है। आप हमारे साथ हमारी मित्र मंडली है, ये देवभूषण जी उपाध्याय हैं, बड़ी हमारे बड़े भैया हैं, माँ हमारे माँ मंदिर के पुजारी जी हैं श्री आचार्य माँ का प्रसाद जी शुक्ल, और हम सभी खूब आनंद ले रहे हैं। आप सभी आनंद लीजिए भक्ति संस्कार से जुड़ करके। यूट्यूब पे आप सभी जुड़े रहिए। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। राम लाला माया मंदिर यही बनाया। जय हो जय हो। जय श्री। मंदिर बन गया, आपको कैसा लग रहा है बाबा? हाँ बाबू जी बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। जय श्री राम। जय श्री राम। और आपने सुनते हैं देश देश से भी दूसरों से अपनी जगह से अपने जगह से लोग आए हुए हैं, घूम रहे हैं सारे, बहुत सारे यात्री जैसा कि जान ही रहे हैं। मेरी वीडियो या मन किसी बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल पर वीडियो देखी पा रहे होंगे। अयोध्या तो सजी है, अयोध्या के अंदर इतने जो वनस्पति हैं पेड़ पौधे हैं वो भी कितने अच्छी तरीके से सजे हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको दिखाते हैं हम अयोध्या की हनुमान गढ़ी। अभी घूमते हुए इतनी सुंदर हो गई है हमारी अयोध्या, बहुत ही सुंदर, जिसको कहते हैं बहुत ही सुंदर। आइए आपको थोड़ी सी हनुमान गढ़ी के बाहर का दृश्य आपको दर्शन करवाते हैं। मसाले की चाय ये दादा यहाँ पिला रहे सबको। आपको किसी और दिन अंदर का दर्शन करवाएंगे, अभी आप बने रहिए। आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं, आगे चलेंगे बहुत ही सुंदर अयोध्या में सभी चीजों का दर्शन करते हैं, चलते हैं। आप अयोध्या में आके ठाकुर जी का दर्शन तो पाएंगे, साथ में मस्त कचौड़ी भी आपको खाने को मिलेगी। वैसे कभी खाया नहीं यहाँ पे, बाकी चीजें सब खाता हूँ, बहुत ही सुंदर। और हमारे दादा तो एकदम मस्त हो गए हैं, और तक यहाँ की देख सकते हैं। और यहाँ साइड पार्क बनने वाला है बहुत सुंदर। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं बस आगे दो चार पाँच सेकंड में इसी दिन के दिन वाला जी इसमें दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर। आप देखो ये दिन का रास्ता है वो इधर उधर से पड़ता है। और ये जो महल आपको चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का महल है, आगे कनक भवन है। और हम यहाँ हनुमान गढ़ी के पास में थे अभी, ये पूरा नज़ारा इतना भव्य है, सारी दुकानें भगवामय हो गई हैं, सभी दुकानों पे अच्छे अच्छे दुकानों पे जो नाम है इतने अच्छे प्लेट बोर्ड पर लिखी हुई है, बहुत ही सुंदर है। और अप्रतिम है, जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ की विशेषताओं का वर्णन करना
मतलब यहाँ की विशेषताएं ऐसी हैं, यहाँ की विशेषताओं का वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। अब जो है हमारा ब्लॉग धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि अब हम अपने स्थान पर चल रहे हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।